तो दोस्तों याद कीजिए वो फाइनेंस की क्लास जिसको सुनते सुनते आप सो गए थे। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो एजुकेशन ऑनलाइन कोर्सेज की बात हो, फाइनेंस के बारे में पढ़ते पढ़ते ज़्यादातर लोगों को नींद आ ही जाती है। लेकिन अगर क्या हम आपको कहें कि फाइनेंस को सीखना फन, इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग हो सकता है? हंसीगा मत, क्योंकि हो सकता है आपको हंसी भी आए, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं भारत में जो कि फाइनेंस को सीखना भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। उसी में से एक प्लेटफॉर्म के बारे में आज बात करेंगे ताकि आप खुद भी ट्राई आउट कर सकें और सर्टेनली अपने हिसाब से उसको इंटरेस्टिंग तरीके से देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये जो सेइंग है कुछ ना कुछ लेवल पे इसी प्रोडक्ट पे लागू होती है। जिस प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मनीफ्लिक्स। ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म है और इसका पूरा का पूरा मोटिव है कि फाइनेंशियल एजुकेशन को फन कैसे बनाया जाए। अब ये कैसे करता है? इसका काम बेसिकली आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, कहानी बताने का जो तरीका है वो एजुकेशन में लाया गया है, जिससे कि जो बोरिंग या पुरानी चीज़ें हैं उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग और फन तरीके से बताया जाए। मनीफ्लिक्स एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। iOS में भी कुछ ही महीनों में ये प्लेटफॉर्म पे मौजूद होगी। अब इसके फीचर्स क्या हैं, क्या ऐसा एरिया है जो इसको अलग बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है? अब देखिए, भारत जो है वो जमीन है पंचतंत्रा की, मतलब अलग अलग कहानियाँ और काफ़ी सदियों से चलता आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन, और जिससे के जो बोरिंग चीज़ें हैं उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग रूप में रिफर्बिश, अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे वो पुराने लेजेंड्स हों, माइथोलॉजिकल स्टडीज़ हों, कहानियाँ हों, कुछ ऐसा भी। अब भारत के इस पुराने ट्रेडिशन से कुछ क्यूज दिए गए हैं और इसको बॉलीवुड के साथ थोड़ा पैक करके रीमिक्स किया गया है और इसको क्रिएटिवली अलग अलग तरीके से इंफोटेनमेंट के रूप में प्रेजेंट किया गया है मनीफ्लिक्स के द्वारा। अब इसमें मिलता क्या है आपको? अलग अलग तरह के एंगेजिंग वीडियोस हैं जिसमें बेसिकली आपको जो मोनोटोमी थी, जो एक तरीके से सिंगुलर तरीके से समझाया जा रहा था फाइनेंस को बोरिंग तरीके से, किताबी तरीके से, वो चीज़ों से दूर रखा गया है। प्लेटफॉर्म बेसिकली फन, एंगेजिंग और एंटरटेनिंग बनाता है सीखना, और बेसिकली जो नए निवेशक हैं, नाइव लर्नर्स हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली बताया गया है और शुरुआत वहीं से की गई है ताकि जो बेसिक और फंडामेंटल्स हैं किसी भी निवेशक के वो स्ट्रांग हो सके। अभी के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा, लेकिन आपको मल्टीपल सब टाइटल्स में भी ये एप्लीकेशन मौजूद रहेगी। ऑर्गेनाइज्ड करिकुलम है, मतलब कि एक तरीके से जो डोमेन ऑफ फाइनेंस है उसको बहुत स्क्रैच से शुरू किया गया है ताकि जो बिगिनर्स हैं, शुरुआती निवेशक हैं, उनको समझने में मुश्किल ना आए। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि जैसे आप आगे बढ़ेंगे इन कोर्सेज में या इन वीडियोस में, तो जो एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझाया गया है ताकि आप जीरो से शुरू करें और जहाँ एंड तक पहुँचे, देयर इज अ जर्नी इन्वॉल्व्ड इन द ओवरऑल लर्निंग प्रोसेस। देन आपको इन्फोग्राफिक्स के रूप से समझाया गया है। अब मनीफ्लिक्स सिर्फ एक तरीके से बॉलीवुड इंस्पायर्ड या एनिमेशन वीडियोस नहीं हैं, इसमें आपको इन्फोग्राफिक्स भी मिलते हैं जो कि आपको विजुअली समझाने की कोशिश करते हैं बिना किसी ऑडियो के, कि कोई कॉन्सेप्ट जो कि शायद डिफ़िकल्ट था किसी पैराग्राफ, किसी किताब के रूप में, लेकिन इन्फोग्राफिक के रूप में काफ़ी आसान तरीके से उसको बताया गया है। इसमें रेगुलर अपडेट्स किए जाते हैं, आज की तारीख में 100 से ज़्यादा वीडियोस हैं इसके पास, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम हर महीने ये नया और फ्रेश कंटेंट लेके आते हैं। इसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलती हैं, बेसिकली इन कैटेगरीज में पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को लेके आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। अब इसके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स क्या है? देखिए, मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान है और ईयरली सब्सक्रिप्शन प्लान है। अभी के लिए सब्सक्रिप्शन कॉस्ट सिर्फ ₹990 है प्लस GST। अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इनके प्लान के अकॉर्डिंग 1990 में ही आपको साल का सब्सक्रिप्शन प्लान मिल जाता है। अब मनीफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे क्या हैं? देखिए, कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं इनकी सब्सक्रिप्शन प्लान में। एक तो आपको प्रीमियम वीडियोस और इन्फोग्राफिक्स का फुल एक्सेस मिलता है डिपेंडिंग कितने समय का आपने सब्सक्रिप्शन लिया है। इंग्लिश, तेलुगू और हिंदी में आपको सबटाइटल्स मिलते हैं और आने वाले समय में इनके अनुसार गुजराती और तमिल में भी
ये पर्टिकुलर सबटाइटल्स मौजूद रहेंगे। इसमें एक अलग फीचर भी है ऑटो पोज नाम से। अब ऑटो पोज फीचर जब आप इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली अगर आप ब्राउज़र एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट के थ्रू, तब आपका अगर स्विचिंग करते हैं विंडो को तो वो अपने आप से वीडियो पॉज हो जाएगा, ताकि आपका फोकस पूरी तरीके से वीडियो पर रहे और जैसे ही आप कहीं और ध्यान देते हैं वो वीडियो अपने आप पॉज हो जाएगा, पैसिवली नहीं चलेगा। आप चाहे तो वॉइस नोट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कोई कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं आप वीडियो के थ्रू और कुछ नोट लिखना है आपको या नोट बोलना है, तो वॉइस नोट की फीचर के एक्सेस के साथ आप ऐसा कर सकते हैं, ताकि कल को अगर आप कॉन्सेप्ट याद करना चाहें तो अपने नोट को एक्सेस कर सकते हैं। आने वाले जो समय में अपकमिंग रिलीजेस हैं उसका एक्सेस आपको मिलता है। और अलग फीचर ये भी है कि वीडियो स्निपेट्स मिलते हैं, जिसके थ्रू आप कंसाइसली आसान तरीके से और जल्दी से किसी कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर सकते हैं। जैसा कि पहले बताया, वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और इनकी मोबाइल ऐप भी है गूगल प्ले स्टोर पर, उसके थ्रू भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐप का इस्तेमाल करना इजी है, गूगल प्ले स्टोर पर जाके इसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, नंबर डालिए, नहीं तो ऐप अपने आप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है, OTP वेरिफिकेशन कीजिए और अब आप गेस्ट यूज़र के रूप में इसको चेकआउट कर सकते हैं। गेस्ट यूज़र के लिए भी कुछ फ्री वीडियोज़ हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। अब मनीफ्लिक्स के प्रोज हैं कि जो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की गई है, फन एंड एंगेजिंग रखा गया है कंटेंट को, और जो भी एक तरीके से मुश्किलात प्रॉब्लम्स के रूप में देखे जाते थे कॉन्सेप्ट, उनको बहुत ही स्टोरी टेलिंग के रूप में समझाने की कोशिश की गई है। वीडियोज को पार्टीशन किया गया है ताकि समझना आसान रहे, सेग्रीगेटेड रहे, जैसे कि बुक में चैप्टर होते हैं, इसमें भी आपको अलग अलग तरह के वीडियो को पार्टीशन स्प्लिट करके दिखाया जाएगा। टॉपिक्स की डाइवर्सिटी है अच्छी खासी, जैसे कि बताया आप इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस, ट्रेडिंग के बारे में जान सकते हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी कुछ कवर है। और UI काफ़ी सिंपल लगता है, इजी टू यूज़ फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, सो अगर आप बिगिनर भी हैं तो आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी। और अंत में बस यही कहेंगे कि मनीफ्लिक्स एक तरीके से एक फिनोमेना है फाइनेंशियल स्पेस में, जहाँ तक एजुकेशन की बात है, OTT वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आया है। 100 से ज़्यादा वीडियोस हैं इसके पास, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे आर एक्सपेक्टिंग के नए वीडियोस विद इन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग आपके लिए ऐड किए जाएँ। आई सजेस्ट आप चेकआउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप का भी और वेबसाइट का भी। और अगर आपको ठीक लगे, यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू दीज प्लेटफॉर्म्स, और अपनी जो सीखने की जर्नी है उसको शुरू कीजिए, और इस तरह से शुरू कीजिए ताकि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्चुअल में सस्टेन कर सकें एजुकेशन को, ताकि आप स्टॉक मार्केट में फिर आगे चल के बेनिफिट भी कमा सकें। तो दोस्तों, मनीफ्लिक्स के इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको ये प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और अर्ड डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।